तो अभी जो ये जो पेपर वेस्ट है ना, मतलब पेपर लीकेज का ये एफिशिएंसी इशू का, मतलब ये जो एक जेन्युइन इशू है ना, तो उसको अभी हम लोग स्टूडेंट जो युवा पेरियड साथ नहीं देगा तो कौन साथ देगा ना। तो ये सोच के हम अपना दोस्त दोस्ती और बंधु भी नीचे बैठा हुआ है ना, तो ये मेरे दोस्त का, तो आज यहाँ में आए हैं। तो आज यहाँ में आप लोग मीडिया आप लोग को आप लोग का थ्रो से ये मतलब इशू जो ना मतलब सॉल्व हो सकता है, लेकिन इसमें जितना भी युवा को हम वही बोलना चाहते हैं, यहाँ में साथ देना है ना, तो हम लोग अपना फ्यूचर को बचाना होने से क्या होना है। तो अभी जो प्रेजेंट ये जो आंसु करा रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बहुत अच्छा मुद्दा है ना, जो प्रेजेंट नाबम धोनी जी करा रहे हैं, अप्रिशिएट फील करता है। जो अभी हमें मास्क रिटर्न में बहुत आदमी आए हैं, तो हम इसमें मतलब दिल से ना मतलब जो भी करा रहे थैंक यू सो मच। तो यह मेरा मुद्दा आने का मतलब है कि मतलब हम लोग अपना फ्यूचर को बचाना है, तो फ्यूचर को हम लोग इसलिए बचाना है क्योंकि यहाँ में साथ नहीं, अभी साथ नहीं देगा तो आप लोग फ्यूचर के बाद में बचा किसे बचा सकेगा। तो जितना भी सर अभी जो जितना भी पकड़े हैं ना, वो लोग तो हम वही बोल देगा, वो लोग को निकालने मत दीजिए और इसी के ये कोर्ट से बेल मत दीजिए ना, मैं तो वही करूँ, क्योंकि वो लोग छोड़ेगा तो मतलब इसी के होते ना, गुनाह करने के बाद मतलब छोड़ेगा फिर वापस वही काम करेगा, कुत्ता का पूछ कभी सीधा नहीं होता, तेरा तेरा रहता है। तो मैं यही मैसेज देता हूँ इंडिया फ्यूचर में कोई भी ऐसे पेपर लेके इसका पेपर को सेल मत करो। हम लोग का अरुणाचल का जो फ्यूचर जनरेशन है ना, उसका लाइफ को बर्बाद मत करो, उसके बाद अपना फ्यूचर को बचाने के लिए इसमें हम लोग साथ देना बहुत जरूरी है सर।